सतगुरु नानक परगटिया, मिट्टी धुंध जग जानण हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। काबुल, अफगानिस्तान, वेयर द सिक्स हैव बीन लिविंग सिंस द 1830s। टुडे 2012 द सिख कम्युनिटी हैव ड्विंडल टू अ मेयर थाउजेंड इन द एंटायर अफगानिस्तान। इन काबुल अलोन देयर इज अ मेयर 300 to 400 सिख फैमिलीज लिविंग in appalling conditions. This is their story and their plight in their lives in Kabul. This is the Sikhs of Kabul, a forgotten community. मेरा नाम है जी सरदार करमदीप सिंह सेठी, सपुत्र सुरबीर सिंह सेठी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हां जी, ਕਾਬਲ ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ? ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। हां जी। हां, ਕਿਸ ਸਾਲ ਚ? ਮੈਂ ਹੋਇਆ 1989 ਵਿੱਚ। 89 ਵਿੱਚ? हां जी। हां, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਦੁਕਾਨ ਹੈ? हां जी। हां, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। हां जी। हां, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? हालात तो ठीक नहीं है इतों की, हमेशा ही लड़ाई चलती रहती है। तो सिखा की भी ज़्यादातर जो मुसलमान भी वेखते हैं तो कहें आओ तुम भी मुसलमान बनो। तो अच्छा, मतलब कि सिखा की हालत खराब है इतने। अच्छा, सिख कोशिश कर रहे हैं, जोड़े मजबूर सिख ने, जोड़े लाचार सिख ने, इतने रेंदे ने, जिन्हों का कारोबार वसे हुए है तो दिल्ली वगैरह हिंदुस्तान कम नहीं कर सकते, इसलिए इतने बैठे हुए हैं। नहीं तो इतने उन्होंने रहने की कोई मजबूरी, कोई शौक नहीं है रहने का। इस वेले सारे इत्थे करते परवान च एक 30 या 40 घर ही होने हैं, ज्यादा नहीं। हाँ जी। हाँ, बाकी जेड़े जिन्हों का थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सारे दी, जेड़े इत्थे रह रहे हैं, जेड़े दी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो रही है धीरे धीरे, तो वो अपना पैसा कट रहे हैं तो जा रहे हैं इंडिया की साइड। उत्थे चाहते हैं कि इत्थे अगर उन्होंने 50,000 महीने की कमाई मिलती है तो उत्थे 10,000 मिलती है, तो उन्होंने 10,000 कबूल है इंडिया का, लेकिन इतों का 50 कबूल नहीं है। तो दसो तुसी हुण इत्थे सिखां दे जिहड़ी सरकार आ, करज़ा दी सरकार आ, ओह की करदी आ सिखां वास्ते? कुछ कोई मदद कर रही आ फाइनैंशियली अपनी रोटी इत्थे चला रहे ने, वो भी बड़ी मुश्किल नाल। इत्थे गुजारा तां सब दी ज्यादा दुकानदारी है, थोड़ी बहुत माड़ी मोटी दुकानदारी चलदी है, एदा कोई वड्डा काम ते कोई बिजनेस नहीं है किसी दा। कोई अतारी का काम कर रहा है तो कोई सूट पंजाबी का काम कर रहा है तो कोई छोटा मोटे काम कर रहे ने, और नहीं कर रहे ने अपना घर का किराया तो रोटी चला रहे ने, ऐसा कोई वड्डी और कुछ नहीं। जो बच्चे है फिर मतलब उन्होंने स्कूल जा रहे हैं? स्कूल तो कोई है ही नहीं, सरदारा का भी ना कोई स्कूल है ना कोई इंडियन स्कूल है, कोई स्कूल ही नहीं है। तो जरा मुस्लिम का स्कूल भी है उत्थे भी जो जाते हैं बच्चे तो उन्होंने मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने जूड़ा वेख के सरदार ने काफिर ने मुसलमान बनाओ, तो बस यही ज्यादा
परचावा इन्हों का मुसलमाना का यही चाहते हैं कि जिन्हें भी सरदार उन्होंने पता ही नहीं है कौन सरदार है कौन हिंदू है, उन्होंने लिए दोनों ही काफिर ने। उन्होंने कि सरदार होवे कि हिंदू होवे कि ईसवी होवे कोई सारे नहीं काफर ही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं तो मुसलमान ही है जो खुदा का बंदा है तो और सारे काफर ने। हाँ कहते ने तुसी मतलब अपना अपनी तरफ जो परचावा करते हैं कोई बच्चा होए कि वड्डा होए कि बुड्ढा होए तो बोलते ने तुसी मुसलमान बनो। अच्छा ते वो कोई जवाब भी दे दें तो लड़ाई हो जाती है ते ना दें तो मजबूर चुप करके अपना सरखम करके ते निकल जाए। अच्छा हाँ जी हाँ, तो स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं है बच्चे नहीं करते। बच्चे फिर पढ़ते कितने जाके? बच्चे तो बस पढ़ कोई पढ़ाई है नहीं, बच्चे सारे खराब हो रहे हैं। अच्छा। तो जेड़े थोड़े बहुत जिन्हों की जेड़े फैमलिया के जेड़े थोड़ी बहुत ही फाइनैशियल प्रॉब्लम ठीक है, थोड़ा पैसा है उन्होंने को बस उन्होंने प्राइवेट स्कूल पाया हुआ अपने बच्चों, तो उत्थे भी सही पढ़ाई नहीं मिलती, सारी ना फारसी है तो पश्तो है, इंग्लिश भी पहले इतने सी हूँ इंग्लिश भी इन्होंने बंद करवा दी है, इंग्लिश भी बोला है बोल दिता है इन्होंने गवर्नमेंट ने कि इंग्लिश बंद कर दो इतों। अच्छा हाँ जी हाँ, तो पंजाबी तो हिंदी वगैरह कुछ भी नहीं है। मतलब फिर अपने पंजाबी बोली हैगी या नहीं, या तुसी पश्तो? पंजाबी बोली कुछ भी नहीं है इतने, सारी फारसी बोली चलती है जिन्हों कहते हैं दरी। अच्छा। तो लिखते भी फारसी ने बोलते भी फारसी ने, कोई पंजाबी नहीं कोई हिंदी नहीं है। खत्म तो हो जूगी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है खत्म, मतलब 50% तक खत्म हो गई है, तो 50 और भी जी रही है वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें निकलन इंडिया वाल, क्योंकि इन्होंने हालत इतने बहुत खराब है, ना इतने काम कर रहे हैं तो ना बच्चों की हालत भी खराब है, तो कारोबार भी नहीं है कुछ भी नहीं है। हाँ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਕਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। मेरा नाम नरेंद्र सिंह खालसा। अच्छा, तुसे ते किन्ने साल दे इत्थे रहे काबुल? इत्थो साडा प्यो दादे तो रहने इधर। किन्ने साल पहला थोड़े दादा इत्थे आए सी? तकरीबन 100 साल तो हो गए सन। 100 साल इत्थे हाँ। हो गए इत्थे। बिल्कुल। ता तुसी पिछो कित्थों आए सी 100 साल पहला थालो? ओ पिछो तो दिल्ली तो आए सन। दिल्ली तो आए सी। अच्छा, हुन तुसी दसो कि हालात इत्थे सिखां वास्ते की है इस वेले, सिखां दे नाल की हो रिहा अजकल 2012 च? नहीं, इस तो पहले 2001 विच जो ही रिजीम खत्म हो गई, उस तो पहले जड़ा रिजीम आया तालिबान दा, इन्हों नालों तालिबान साड़ी बहुत अच्छा है, जिंदगी साड़ी आराम आई, कारा साड़ा आया, दुकान आईया, परेशानी ना आई, शमशान आया, सब कुछ आया, हूँ तो कुछ भी नहीं, शमशान असी आड़ा मरना जड़ा है ना रोज फिराने, गोरमेंट फिराने सू इतने जगह नहीं देने कि असं अपना मरना संस्कार ही असाजी अपनी जगह से नहीं छोड़ दे। तालिबान तो पहले तो अच्छा सी, बिल्कुल कम कार आया, आरामी आई, कुछ मसला सिखा वास्ते ना आया, कुछ भी कुछ नहीं आया, तंगी नहीं सी, कुछ तंगी नहीं सी, नहीं 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 कुछ भी नहीं। जो तालिबान तो बाद आया था, तालिबान की कीता बस, तालिबान कुछ नहीं कीता, तालिबान अच्छा है साडे नाल आंदे आए, साडे कोल पुछ दिया आए, उत्थे थाने ते साडे नाल हमेशा रिपोर्ट रख दिया आए, तुहाडे की मुश्किलात है, कौन तो सानो छेड़ा छाड़ी तो नहीं करता है, कौन तुहानू कुछ कहंदा तो नहीं, रोज़ ही पुछते आए गुरुद्वारे में आ जाए, पुछते आए जिथे इन्हों का नमाज का टाइम होंदा है, सानू बहुत इतराम नाल कहें तुसी अपने दुकान बंद करके आड़ी रोटी खाओ, असी मुसलमानों नू नमाज वास्ते ले जाने, साडा बहुत अच्छा है, तालिबान के टाइम बहुत अच्छा कम आया, तो कारोबार भी अच्छा आया, तो सहूलियत भी ज़्यादा आई। बस मजबूरी है, मजबूरी दे मारो तो इत्थे बैठे, अगर मजबूरी ना होए ना, अगर थोनू मौका मिले तो तुसी इत्थों निकलना चाहंदे? 100% 100% 100% 1% भी नहीं है बस इत्थे रहना चाहंदे? कल भी जड़ा बंद आवे ना सानू कहे बस साड़ी गारंटी है, चलो जाने सान, सिर्फ पाकिस्तान ईरान नहीं जाने और हर मुल्क जाने, जेड़े मुल्क विच कहे जिथे बस जल्दी तो जल्दी मौका मिले निकलने। मदद करती है? कुछ मदद नहीं, कुछ मदद नहीं, कुछ मदद नहीं, कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं। हूँ साढ़े जो फैमिली सारे गुरुद्वारे रेंगे सारे जितने फैमिली बहुत सारे करत प्रवान चाली या पैंताली फैमिली है उस दार दो त्रै अगर बार उन्हें इस्तेखाब ठीक हो रहा और सारे बार हो सारे गुरुद्वारे रेंगे सारे परेशान हो सारे मुश्किल रखते हैं कुछ भी नहीं। वो तो पहले जिस टाइम हालात खराब हो गए सब तो पहले लोग चले गए लोग परेशान हो गए कारों को छोड़ दिता ने ते असी भी कोशिश कर दे कि निकलिए मगर हम फिर भी नौ से या किस्मत नहीं हुई रह गए थे वापस तो मकान जड़े आए लोग कहते सबका वो सारे बेचे ने जड़े पहले इतने बिजनेसमैन रेंदे आए तुजार रेंदे आए इतों के वे वे बिजनेसमैन आते आए अफगानिस्तान के वो सारे चले गए उन्होंने घर में फिर असी जिंदगी कर दिया तार तालिबान के टाइम तक तालिबान तो बाद करजई की हुकूमत तक साल अठारह एक 2001 तक उस तो बाद उन्होंने कौन वकालत से वेचे उस कौन जोर तले तो खत्म कर रहा हूँ सारे खत्म हुए सिखा दे काबुल तो सारे गुरुद्वारे च रेंदे वाला सिखा बहुत परेशानी हूँ असर कंधार दशकार ज्यादातर मुश्किल शमशान नहीं काबुल है इलमन इस तरह से तो कवि दशकार जितने तले बेसमेंट है उस दशकार साड़ी संस्कार होंगी भी मुश्किलात है ज्यादा कारा नहीं दुकाना नहीं कारोबार नहीं गवर्नमेंट विच वजीफा साड़े लोगों का नहीं कुछ भी नहीं बिल्कुल जीरो असी। हाँ साड़ी परिवार इतने वे साड़ी फैमिली तो कौम साड़ी थे हाँ जी हाँ तीन बच्चे ना शुक्र बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं शख्सी स्कूल अपने पैसे तो पढ़ाने हाँ प्राइवेट वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अज का प्रोग्राम मैं थानू दे रहा अच काबुल तो अफगानिस्तान अज मैं पहुँच गया गुरु हरराज गुरुद्वारा जो शोर बाजार के इलाके के बीच हैगा एक इतिहासिक गुरुद्वारा है अज मैं काबुल के बीच पहुँच गया जेदे नाल अज मैं कई लोगों की इंटरव्यू ले रहा अज काफ़ी संगत इकट्ठी हुई वा जलालाबाद तो गजनी तो पेशावर तो बिफोर वी गो इन आई जस्ट वांट टू शो यू द कंडीशन ऑफ द गुरुद्वारा यू कैन सी इट वाज हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड बॉम्ब्ड सिंस द 90s एंड सिंस द 90s आ गुरुद्वारा नु ठीक नहीं करता गया क्योंकि इतने की पॉपुलेशन है नहीं हुन और इट्स सच अ वेरी सैड साइट इट हर्ट्स एक्चुअली टू सी द कंडीशन ऑफ द गुरुद्वारा Even the condition inside is the same, so let's just go inside and we can do the recording. We are now inside the Sikh temple. Let's just go inside here. Aaj koi gurupurv hai. तो काफ़ी संगत इकट्ठी हुई हुआ जलालाबाद तो गजनी तो पेशावर तो पाकिस्तान तो चीज अंदर चलिए जाके देखिए दीज आर द अफगान सिक्स द सिक्स ऑफ ऑफ काबुल वी आर गोइंग टू इंटरव्यू अ फ्यू ऑफ देम सरदार त्रिलोक सिंह सरदार त्रिलोक सिंह इतने का है ज्ञानी जी ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਗਿਆਨੀ ਕਾਟੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਾਟੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਾਬਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਾਟੇ ਵਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਟੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਹਾਂਜੀ
और सानू पता लगा कि सिखां दी जिहड़ी हालत आ जी जी इस वेले अफगानिस्तान जी की हालत है हालत अफगानिस्तान में सिखां दी हालत बिल्कुल ठीक नहीं वो जेड़े सिख इत्थे रह रहे ने वो सिख बहुत परेशान ने अच्छा परेशान क्यों है वड्डी मुश्किल जो साड़ी अफगानिस्तान दे विचकार है शमशान दी है अफगान काबुल दे विचकार ते शमशान दे विचकार बंदे ते छोड़ दे नहीं कि संस्कार हो अच्छा हाँ जी दूसरी गल घर नहीं सिखन दे एक घर दे विच चार पांच फैमिली रह रहे हैं वो जेड़े टुटे भजे घर इत्थे गुरुद्वारे दे विचकार सारे लोग जो रह रहे हैं गुरुद्वारे दे विच दरवाजा भी नहीं पानी भी नहीं मिलता पानी भी नहीं मिलते कुछ भी नहीं सिखां दी हालत इत्थे बहुत खराब है मैं कई नूं पुछिया कि पानी नहीं मिल रहा गुरुद्वारे च बच्चों वास्ते स्कूल है स्कूल नहीं पढ़ाई नहीं बिल्कुल पढ़ाई है नहीं बच्चे की जिंदगी तो इतने बिल्कुल खराब है मतलब जीरो है बिल्कुल तो बच्चे फिर सारा दिन हम काटते की है भी बस इधर घूमो इधर आ उधर जा और कोई है नहीं पढ़ाई नहीं बच्चे मास्टर नहीं टीचर नहीं जी तो बच्चे फिर कि जबान बोलते इतने इतने तो असं लोग सारे ये जड़ी जबान साढ़े न बोल रहे हैं बच्चे पंजाबी बोल पंजाबी बोलते हैं जी सारे बच्चे पंजाबी आती है आती है बच्चे बच्चे फिर पूछते हैं निर्दोष सिंह तेरा नाम की बेटा मनमोहन सिंह हरमोहन सिंह नाम की है कमलजीत सिंह तुम की करते हैं सारा दिन इतने बाजार घूम रहे ने ना की करते हैं मस्ती करते हैं पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई नहीं है इधर तो मस्ती करना पड़ेगा तुसी टाइम फिर थोड़ा टाइम कितना निकला सारा दिन इधर घूम तुसला बाजी में जाते हैं इधर घूम मस्ती नहीं कुछ और चारा तो नहीं है पढ़ाई नहीं है मतलब तुसी सारा दिन तुसी सारा दिन गुरुद्वारे दे विच रह रहे हैं नहीं नहीं हम लोग यह लोग गुरुद्वारे एक नफर गुरुद्वारे में रहता है एक लोग घर में रहता है अच्छा। हम कार्ते परवान में रहते हैं कार्ते परवान में जय गुर्जर गुरुद्वारा हाँ जी सिर्फ हम दो गुरुद्वारे इतने काबुल नहीं गुरुद्वारे बहुत है नहीं रहने वाले गुरुद्वारे में खालसा गुरुद्वारा है मंदिर सिंह गुरुद्वारे नहीं बंदे है नहीं फैमिली है नहीं दो फैमिली तीन तीन सर उसी गुरुद्वारे के विचार आठ दस फैमिली रह रहे नहीं अच्छा दस दस फैमिली रह रहे हैं और गुरुद्वारे दो फैमिली चार फैमिली और गुरुद्वारे चार फैमिली और आठ फैमिली और खालसा गुरुद्वारे जी अब बाबा श्री चंद गुरुद्वारे च नहीं कार नहीं कार किसी का भी कार नहीं गुरुद्वारा बच्चों तो बच्चे की हालात बहुत खराब है कई गुरुद्वारे है लेकिन हरेक गुरुद्वारे के दो दो फैमिलियाँ रह रही किसी के सिख परिवार से कोई बकाना है नहीं सारे रेंदे गुरुद्वारे के बच्चे वो सू दस गया कि हरेक गुरुद्वारे जो है तीन चार है दो फैमिलिया बच्चे रह रही मतलब उनके रखवाली भी उही कर रहे हैं तो मुझे अफसोस हो रहा कह बड़ा दुख लग रहा वैसे देखने
कि साड़ी जी कम्यूनिटी इतने संगत है साड़ी हालात कुछ ज़्यादा कुछ खराब है। तो जिते मैनू जो मैं हम देख रहा अज गुरुद्वारे की हालत बाहरों अंदरों इन्ना नुकसान हो गया कि इन लोगों को पैसा भी नहीं है ठीक करने। तो सानू हम कुछ कोशिश करते सी बाहरों कुछ इंग्लैंड यूरोप के बीच कैनेडा अमेरिका जो असी आ प्रोग्राम दिखाओगे तो असी कुछ करिए इनकी मदद करिए फाइनैशली कुछ मदद करिए क्योंकि वो टाइम दूर नहीं हो सकता 10 साल के बीच 15 साल के बीच कि इतने कोई सिख नहीं हो सारे तो निकल जाए। मैं कई पूछा वो अज भी तैयार आ वो कह रहे कि असं अज रेडी है जाने इंडिया काबुल बस छड़ना चाहते हैं रहना नहीं चाहते काबुल में बाहर निकलना चाहते यूरोप जाना चाहते इंडिया जाना चाहते दिल्ली जाना चाहते हैं लेकिन जिन्हें इतने है असं उन्होंने वास्ते कुछ कर सके आ तो असं कोशिश करना है। बड़ी मुश्किल होता है बच्चे अनपढ़ रह गए हिंदी नहीं पंजाबी नहीं इंग्लिश नहीं बच्चे पे पढ़ाई रह गए गरीबी है काम नहीं कर नहीं गरीब लोग सारे थे टाटे हैं। हाँ जी ना जी स्कूल नहीं थे ना जी स्कूल नहीं थे सारे दिन बेचारे मकतब जाने मकतब तत्ते छेड़ दें मार दें जूड़े पट दें गालियाँ दे दें बेचारे बच्चे दिल से कार मारे ने बच्चे बख जान दे नहीं मकतब दिल नहीं पार दे डर दे मार दे आए कहने तुम मुसलमान बनो इंज बनो गल कर दे बड़ा कुछ कह दे बच्चे दे हाँ जी हाँ जी बड़ा बच्चे और कुछ कह दे हाँ मार दे भी आए हाँ जी जुड़े पढ़ दे मार दे भी आए हाँ जी अफगानी लोग मार दे अच्छा अच्छा बच्चे की जिंदगी खराब है इतने हाँ जी बच्चे जिंदगी खराब जिंदगी बच्चे की जगह पढ़ाई नहीं कुछ नहीं देगा हाँ जी जाने हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मजबूरी भी जाना पैना बच्चे बच्चे परवरिश खतर भी जाने बच्चे पानी नहीं बस गुरुद्वारे रहने हाँ जी गुरुद्वारे रहने सड़क कार नहीं कोई बार नहीं मुश्किल बहुत है कुछ नहीं करना हाँ जी कुछ नहीं करना करने कर दे कुछ कुछ नहीं हाँ जी कह के चले जाने सुन के कुछ कर देने गरीब ना कोमो नहीं कर दे बेखी कुछ नहीं पूछ दे कि कौन मोए कौन रिया गरीबी आड़े आते गरीबी करने हैं कुछ मेहनत करने हैं थोड़ी बहुती आड़े आती अच्छा। एक थोड़ा के करने हैं थोड़ी सरकार जी सरकार गांधी थोड़ी मदद कर दे पैसे ना जी ना जी ना कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं जो खान पीन दा या पानी जगह बिल्कुल सारिया गवर्नमेंट ने जख्त कर दी जो 10-15 साल तो गए और वापस आंदे उन्होंने हवाला नहीं कुछ नहीं जगह उन्होंने जख्त हो गई है पैसा नहीं कोई अपनी चीज वापस नहीं ले सकता ना 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 अच्छा कुछ पूछ दी नहीं कोई
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਲੰਮਾ ਦਿਨ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਧਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਬੋਲਦੇ? ਪੁਸ਼ਪਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਕਾਬਲ ਆਫਟਰ ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ। 14 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀ, ਲੰਡਨ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੈਕ ਆਫਟਰ 25 ਈਅਰਸ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਬੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ? Yeah, we left Afghanistan because the situation was very hard that time, the Taliban time and the Mujahideen time. When they came here, they started killing people, they took the Sikh people, they tortured them to be change your religion, to become a Muslim. That's why the situation was too bad. And we left that country. And now situation, when I come back after 25 years, still I'm looking around, there's not, still situation is too hard. Too hard for the Sikh people. They are very, people tortured them. The Islamic country, the Muslim, well, they tortured them and they said that you have to be change your religion, come back to the Muslim. So it's too hard. When I see, sometimes I cry when I see the situation. When we left here 25 years ago, it still was established, our people in the Sikh or Hindu community, they are a good, nice, good business, good property they have. Now we came back and see a lot of people, they took their powerful people, they took their property, they forced them, they kicked them from the houses. And the people left here is almost 20 families. They are living like this, this situation. You see that? This is the Gurdwara Guru Har Rai Sahib, Shor Bazaar. And the situation is too hard. You see that all the structure for these people living with this kind of kids. There's no school for them. They don't provide nothing else. No government help, no United Nations help. So 20 years ago, the Sikhs were very, very successful. Yeah. Very full. Very successful. Successful. Because we have our own Sarai, which they call Sarai Shahzada, Sarai Hazargul, Sarai Policharki. There are a lot of stores. People run the business. People run the economy of Afghanistan that time. With this, they call currency market Sarai Shahzada, the exchange market. But today... Teacher, the problem is that our teacher is Sarai Bacche, Sarai Anpadra again. Sarai Bacche, the Pradai, the Intazam Karo, San, or Kuch Bhi Lord Nahi. Sarai Bacche, the Pradai, the Intazam Karo. Bacche, the Vaste, San, Kuch... ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਖੁਦ ਦੇਣੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣੇ। ਵੇਟਿੰਗ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ।
काबुल कि अच्छ गुरपुरब तो साडा दिन चंगा के सारे इकट्ठे हो अच सिख संगत देखो बड़ी अच्छा रौनक हुई वेरी स्पेशल डे टुडे दैट द होम सिख्स इन जलालाबाद गुजरी काबुल पुट टुगेदर टुडे इन काबुल नाउ गुड टू वेलकम देम आए मिल गुरु सिख आए तू मेरे
side, if we just move this way, we have the famous Bala Hisa fort, jehda kela hunda si itthe da, itthe de jehde afghan de raje hunde si, oh unda haveli hunde si, mahal hunda si, unda kaafi tutt gaya, kharab ho gaya, destroy ho gaya si, but jehde scenery dekho itthe, inni badi khoobsurat jagah aa Kabul, kaafi itthe apni sari sangat reh rahi aa is ilake de vich sikhan di ki सारे इकट्ठे हो तो काबुल चारों तरफ पहाड़ आ इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल लैंडस्केप माउंटेंस एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल लोकेशन टू बी इन राइट नाउ अमंगस्ट द सिख कम्युनिटी इन काबुल हू हैव ऑल कन्वर्ज्ड टुडे ऑन अ स्पेशल डे टुडे टू मार्क द कमेमोरेशन ऑफ गुरु हर राय साहब They've come from Jalalabad, they've come from Ghazni, from Peshawar, and other places throughout Afghanistan have all kind of descended here today. And it's just been a remarkable day just to be a part of it, to participate in such an event. I feel very immensely proud that I'm in Kabul today. The only sad part is to see the state of the Gurdwara, to see the conditions, and it's just deteriorated in such appalling conditions. Nothing has been restored, nothing has been repaired. I'm just looking around here, it's so sad to see young kids who can't go to school, who are living 24 hours in this little complex, in the Gurdwara complex. They've got no houses here, water is scarce, there's no schools, as I said, and something needs to be done urgently, because sooner or later, maybe within 10 years, 15 years,
will the question is will there be a Sikh community left in Kabul or even Afghanistan, because slowly and slowly Sikhs are moving out, becoming asylum seekers or political asylum seekers in Pakistan, in India, where their situation is not any better. So just being here and to document their plight gives me immense pleasure, but in one end I feel very, very upset at seeing the conditions. It's just appalling. Let's hope by the Almighty that their lives can change for the better, that we can do something for their cause, not just film everything and go back to England and just forget about them. I'm hoping to return, hopefully later in the year, and to travel to the other parts of the country, to Jalalabad, to Ghazni, to Mazar-e-Sharif up in the north, to meet other, I have met other Sikh communities from other towns, but I would personally like to visit those communities and get a first-hand account of the current situation as of 2012. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.